अररिया से जदयू को अगर सीट मिली तो जीत पक्की। जी हाँ, आगामी विधानसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए अररिया में जदयू द्वारा एक बैठक का आयोजन किया गया। इसमें जिला अध्यक्ष आशीष पटेल सहित जिप अध्यक्ष जदयू नेता आफताब अजीज सहित कई वरिष्ठ जदयू नेताओं ने एक साथ एक स्वर में कहा कि यदि जदयू से अररिया में सीट मिलती है तो हमारी जीत पक्की है। जदयू जिला अध्यक्ष आशीष पटेल के साथ अन्य नेताओं ने एक स्वर में यह भी कहा कि शगुफ्ता अजीम को अररिया में सीट मिलती है तो हमारी जीत पक्की है। मौके पर जिप अध्यक्ष आफताब अजीम ने कहा कि नीतीश सरकार दहेज प्रथा सामाजिक न्याय पर पूरी तरह से सफल है। जल जीवन हरियाली शराबबंदी जैसे मुद्दे पर नीतीश सरकार बेहतर काम कर रही है। मौके पर नंद किशोर मिश्र, रेशम लाल पासवान, उपेंद्र मंडल सहित कई जदयू नेता मौजूद थे। आप देख रहे हैं NSTV गालिब के साथ। कोरोना काल में चुनाव हो रहा है, कितना चुनौती आपको? चुनौती तो काफी है, चुनौती भी स्वीकार है। हम लोग जमीन स्तर से मेहनत की, चुनौती जितना भी हो लोगों की चुनौती अच्छा। ये वर्चुअल रैली को लेकर किस तरह की तैयारियाँ? वर्चुअल रैली के लेकर तो बहुत ज़्यादा तैयारियाँ हैं। हम लोग सारे पंचायत से जुड़े हैं, पंचायत में जितने कार्यकर्ता हैं जदयू के उनसे जुड़े हुए हैं, प्रखंड स्तर के जो कार्यकर्ता हैं उनसे जुड़े हुए हैं, जिला स्तर के जुड़े हुए हैं। और अररिया विधानसभा से अभी 15,000 कार्यकर्ता वर्चुअल रैली के लिए जुड़े हुए हैं और जिले की जहाँ तक बात है अभी तक 75,000 जुड़ चुके हैं। और अभी जैसे कि अररिया में सीट को लेकर किस तरह की आपको दिक्कत है? अररिया ही नहीं, अररिया जिला में हम लोग 4 विधानसभा के लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? रेशम लाल पासवान, जिला उपाध्यक्ष जदयू अररिया। आज मीटिंग रखी गई है, मीटिंग में आप लोगों ने क्या अपनी सहमति दिखाई, क्या बात रखी? ये मीटिंग हम लोगों को मेन आदमी जो है कि पदाधिकारी लोग का है और ये मीटिंग में हम लोग विचार विमर्श रखे हैं कि अररिया का जदयू का सीट अररिया का होना चाहिए। हम लोग 4 जगह का मांग किए हैं, जोकीहाट, अररिया, रानीगंज और नरपतगंज, ये 4 सीट होना चाहिए। अररिया का सीट के लिए हम लोग बहुत पहले से भी प्रयास किए लेकिन इस बार मुझे नीतीश जी पर पूर्ण विश्वास है कि अररिया सीट जदयू के खाते में जाएंगे। आज जो ये मीटिंग रखी गई है इस बारे में बताइए, मीटिंग की जानकारी दीजिए कि मीटिंग क्यों रखी गई है, खास मीटिंग बुलाई गई है? अररिया विधानसभा का बैठक रखा गया था। इस बैठक में केवल 7-8 जो पदाधिकारी हैं अररिया विधानसभा के, जिला अध्यक्ष साहब भी आए हुए थे। ये बैठक मूल रूप से जेडीयू के खाते में आने के लिए ये बैठक रखी गई है, क्योंकि हम लोग काफ़ी मेहनत किए हैं अररिया विधानसभा में, बूथ अध्यक्ष से लेकर पंचायत स्तर तक का पूरा संगठन बना हुआ है। हम लोग पूरी तैयार हैं चुनाव लड़ने के लिए, तो हम लोग चाहते हैं कि अररिया विधानसभा जेडीयू के खाते में हो और ये सीट भी सुनिश्चित हो। देख, आपका जैसे अभी गठबंधन दल का यहाँ पे एक सीट है और अगर गठबंधन होती है तो फिर भी उन्हीं का सीट आएगा, अगर जेडीयू का नहीं आया तो फिर क्या कदम? नहीं आया तो आला कमान जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उसका जो फैसला होगा तो फिर हम लोग मांग रहे हैं। लेकिन मेरी मांग है कि हम लोगों का अररिया विधानसभा कभी जेडीयू के खाते में नहीं आया है, अन्य लोग हमारे सहयोगी लोग लड़े हैं और सब तरफ से सभी दृष्टिकोण से देखा जाए कि अररिया विधानसभा इस बार जदयू के खाते में होना लगभग चाहिए और पूरी तैयारी भी है, संगठन भी हमारी मजबूत है और हम लोग कार्यकर्ता के साथ चुनाव लड़ने की तैयारी में भी है, इसमें तो हमको सीट होना ही चाहिए। क्या नाम है आपका? उपेंद्र मंडल, प्रखंड अध्यक्ष। क्या नाम है आपका? प्रकाश भगत, जिला उपाध्यक्ष जदयू अररिया। आज की मीटिंग में क्या बात हुई? क्या क्या आज का मीटिंग तो मुख्य रूप से जो है अररिया जिला, अररिया विधानसभा क्षेत्र में जदयू का टिकट सुनिश्चित करने के लिए यहाँ पर बैठक रखी गई थी। हम लोग आपस में विचार किए और सभी ने मिलकर अररिया को जदयू खाते में सीट देने का माननीय मुख्यमंत्री से आह्वान किए और
मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं तो 15 साल से जदयू का सेवा करता आया हूँ।